सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वीडियो के साथ एक दावा भी वायरल है। वायरल क्या? दावा किया जा रहा है। दावा क्या? दावा यह कि इस वीडियो में जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो एक टीचर है, और उसकी पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसने एक बच्ची को परीक्षा में फेल करने की धमकी दी, उसके बाद उसे अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी जमकर पिटाई कर दी। अब क्या है पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई हुई, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। ये मामला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली इलाके का। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 11 साल की एक छात्रा रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। इसके बाद छात्रा ने आरोप लगाया कि उसी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने उसे रास्ते में रोक लिया, जबरन क्लास में मारने और स्कूल में फेल करने की धमकी दी, डराया भी और इसके बाद उसे अपने कमरे पर ले गया। आरोप लगाया गया कि अपने कमरे पर ले जाकर के शिक्षक ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। इधर स्कूल ना पहुंचने पर छात्रा के पिता को मैसेज से मालूम हुआ कि वो स्कूल नहीं पहुंची, तो उसकी खोजबीन शुरू हो गई। इधर कमरे में फंसी छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग कमरे के पास आए, शिक्षक के घर का ताला तोड़ा और अंदर कमरे में घुसे तो वहां छात्रा को देखा। इसके बाद टीचर को कमरे में बच्ची के साथ देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई इतनी कि टीचर की हालत अधमरी हो गई। इसके बाद पीड़ित के पिता की तहरीर पर मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना महमूदाबाद के अंतर्गत मोहल्ला बन्नी में सूचना मिली कि संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को जनता के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता को इलाज हेतु CHC महमूदाबाद लाया गया, जहां पर उसके बेहतर इलाज हेतु उसको जनपद चिकित्सालय सीतापुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि संजय गुप्ता सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद में शिक्षक है। साथ ही साथ ये कुछ दिन पहले एक कक्षा 6 की छात्रा को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। आज उसी छात्रा को अपने इसने किराए के कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा इसको पीटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सीतापुर में इसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ छात्रा के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि वारदात के बाद नामी स्कूल का नाम होने के चलते पुलिस तहरीर बदलवाने का प्रयास करती रही। आखिरकार मंगलवार की देर शाम पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उधर इस घटना को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से महिला सुरक्षा की बात पर सियासी जंग शुरू हो गई है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।